बाबर आजम की इज्जत नहीं की। एक ले दे के इतना बड़ा प्लेयर आपके पास आया था बाबर आजम, ठीक है। और मनोज, मैं आज से 3 साल पीछे जाना चाहता हूं, जब कोविड भी आया था और मैं कई सारे पाकिस्तानी चैनल्स पे हमारे दोस्त हैं, हम बैठते थे बात, मैं एक बात बार बार कहता था, मैंने कहा बाबर आजम के ना आज आप बड़े गुणगान करते हो, दुश्मन भी आप ही बनोगे। क्यों? क्योंकि एक दिन आएगा जब बाबर के रन नहीं बनेंगे या वो कप्तानी, अच्छा उनको कप्तानी मिली तो ये मैंने तब भी बोला था यार ये ना इसकी बैटिंग ना इफेक्ट हो जाए, मैंने तब बोला था, मैंने कहा आप लोग ना वो क्रैब मेंटेलिटी वो हमारे में होता है, इसको जब उतारोगे ना नीचे तो आप बख्शोगे नहीं। यार बाबर आजम को नहीं बख्शा उन्होंने। क्या आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की जानिब भी चलेंगे। बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया, शान मसूद और शहनशाह अफरीदी को रेड और वाइट बॉल में कप्तान बना दिया गया। इस हवाले से मशहूर भारतीय सभी विक्रांत गुप्ता काफ़ी नाखुश नज़र आते हैं और उन्होंने रद्द अमल का भी इजहार किया इस हवाले से बाबर आजम को कप्तानी से हटाने पर। तो क्या है उनका मुकम्मल कहना, हम चलेंगे मुकम्मल वीडियो की जानिब। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक और बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब कर दें। Opinion on ex-Park players' comments on toss and whether Ashwin in final has a psychological impact on Australia. Toss वगैरह पर वो कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि जो रोहित शर्मा सिक्का दूर फेंक देते हैं ये वो, यार उस पर no comments। मतलब सिक्का फेंक देते तो क्या होता है? वो कहते हैं कि दूर कर देते हैं तो कप्तान नहीं देख पाता है। कौन सा कप्तान नहीं देख पाता? जो ऑपोजिट कप्तान अगर यहाँ गिरे तो कप्तान को दिख जाता है। तो रोहित शर्मा टॉस हारे नहीं है? एक मिनट, आप नीचे झुके ही देख पाओगे ना। हाँ, व्हाट नॉनसेंस यार, कभी पिच बदल जाती है कभी, अरे यार छोड़ो ना। आपने तो बाबर आजम की इज्जत नहीं की। एक ले दे के इतना बड़ा प्लेयर आपके पास आया था बाबर आजम, ठीक है। और मनोज, मैं आज से 3 साल पीछे जाना चाहता हूं, जब कोविड भी आया था और मैं कई सारे पाकिस्तानी चैनल्स पे हमारे दोस्त हैं, हम बैठते थे बात, मैं एक बात बार बार कहता था, मैंने कहा बाबर आजम के ना आज आप बड़े गुणगान करते हो, दुश्मन भी आप ही बनोगे। क्यों? क्योंकि एक दिन आएगा जब बाबर के रन नहीं बनेंगे या वो कप्तानी, अच्छा उनको कप्तानी मिली तो ये मैंने तब भी बोला था यार ये ना इसकी बैटिंग ना इफेक्ट हो जाए, मैंने तब बोला था, मैंने कहा आप लोग ना वो क्रैब मेंटेलिटी वो हमारे में होता है, इसको जब उतारोगे ना नीचे तो आप बख्शोगे नहीं। यार बाबर आजम को नहीं बख्शा उन्होंने तो हमें क्या बख्शेंगे। और आप देखना अभी तो क्या हो रहा है ना कि बाबर को रोस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में, पुराने प्लेयर्स, वो प्लेयर्स भी जो उनके साथ खेल रहे थे और कुछ तो अभी भी चाहते थे कि यार मैं शायद अभी भी वर्ल्ड कप खेल लूं। लेकिन अब आप देखना ये जो टीम है, ये वाली जो टीम है, इस टीम के प्लेयर्स भी जो हैं वो आहिस्ता 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 दे विल ड्रिफ्ट अवे। ये इस वर्ल्ड कप के दौरान आपको दिख रहा है बाबर का वो होल्ड नहीं है टीम पे जो होना चाहिए था। अब ये नहीं पता ना कि मतलब व्हाट केम फर्स्ट, बाबर की अपनी फॉर्म गिरी पहले या उनकी कप्तानी नीचे गई पहले, क्योंकि दोनों लिंक्ड हैं, तारे जुड़ी हुई हैं। और मेरा तो ये मानना है कि पाकिस्तान को आज इस बात का अंदाजा हुआ होगा इस वर्ल्ड कप में, मेरी भी एस्टिमेशन गलत थी और लोगों ने भी, मुझे भी लगता था यार ये सब कॉन्टिनेंट में है, इनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है। बट नूरा कुश्ती खेल खेल के ना, जब आप नूरा कुश्ती खेलते हैं, नूरा कुश्ती आप समझते ना क्या होता है, कुश्ती होती है जाली कुश्ती बेसिकली, मतलब फर्जी WWE नूरा कुश्ती होती है कि मतलब रैंकिंग्स और विदाउट एनी मतलब कंपटीशन, मतलब जैसे पाकिस्तान के वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग, उनके बल्लेबाजों की रैंकिंग, उन सब पर बात नहीं, देखो इंडिविजुअल रैंकिंग्स पे तो अगर बाबर इतने देर रहे हैं यार ही वुड हैव डन समथिंग आई एम श्योर, बट टीम के लिहाज से मोर सो। बिकॉज मनोज देखो, नूरा कुश्ती में आप रोज जाते थे, रोज भागते थे, रोज भागते थे, आपको ये पता ही नहीं है कि दुनिया कहां है नूरा। मुझे तो नहीं लगता कि यहां से कुछ, हालांकि देखो मैंने पहले भी कहा था हो सकता है कि कभी कभी ना हम वर्ल्ड कप हार जाते हैं, हम कहते हैं जो 4 ही मैच जीते 5 हार गए, ये तो 9 थोड़ी जीतने वाली टीम थी, वो 4 ही जीतने वाली टीम थी तो 4 जीत गई। अब बात वहीं आ जाती है ना, हमारे मुल्कों में हम एक्सट्रीम रिएक्शन करते हैं। एक्सट्रीम रिएक्शन का मतलब है कि वर्ल्ड कप हम जब अपनी टीम को तोड़ते समझते हो, भेजते हैं तो हम ये सोच के क्या है जीत के ही आएंगे। और भाई इंडिया भी इतने वर्ल्ड कपों में 2 ही जीता है ना, इंग्लैंड भी 1 ही जीता है, आपको ये भी मानना होगा, पाकिस्तान 1 ही जीता है। तो अब हो सकता है, मैं तो ये भी मानता हूं कि बाबर आजम कुड बी द बेस्ट दैट दे हैव, बट इसमें ये वहां पर लॉबिंग चल रही है शाहीन अफरीदी की फॉर एग्जांपल, और शाहीन अफरीदी को बना दो, आधा पाकिस्तान कह रहा है 18 विकेट अफरीदी की। जब आप रिकॉर्ड्स याद करोगे हैं तो आप कहोगे 18 विकेट मतलब यू ड्रिल इट इन, एंड इट इज नूरा कुश्ती। 3 विकेटें आई हैं नई बॉल से, बाकी 15 का अचार डालना है। बारिश राउफ को देखो आप, 14 विकेटें उनकी भी, 14 पता नहीं सिराज की भी नहीं होंगी,
14 विकेटें, बुमराह के बराबर शायद 500, मतलब वो तो ये होता है यार। अब इसमें बाबर आजम क्या करे, उधर से हारिस राव भाग रहा है, ठा की आवाज आती है वो चल उस छत पे, फिर आती है ठा की आवाज उस छत पे। नहीं नहीं, हॉरिबल, पाकिस्तान्स कैंपेन हैज बीन हॉरिबल एंड आई थिंक वी ऑल ओवर एस्टिमेटेड। वहां पर ये भी मेरा मानना है कि सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है, अफरीदी की अगर 18 विकेटें हैं तो तीन तो नई बॉल के साथ है ना, बाकी 15 क्या है, चाटना थोड़ी है। हारिस राउत का भी देख लो आप, में जो गिनाता है फखर जमान को लोग कह रहे नहीं खिलाया, तो फखर जमान ने भी बीच में तो उनकी फॉर्म तो गिर चुकी थी, ठीक है उन्होंने आके बोल दिया कि जी मैं खेल सकता था, तो सीनियर प्लेयर अगर है क्या उसको बाहर बिठाया गया, ये भी मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनको इतना नहीं, वहां पर ऐसा क्यों होता है कि जो बाकी वो है वो कोचिंग नहीं कर पाते सकलेन मुश्ताक उस, अच्छा वहां पे ये भी एक ट्रेंड है, आप हेड कोच भी रहोगे फिर आप नीचे आके बॉलिंग कोच भी बन जाओगे, अब ये तो नहीं हो सकता ना यार आप अपने। और दूसरी बात है, आई थिंक ये बुरा मत मानना, इनके जो प्लेयर्स हैं एज कंपेयर टू इंडिया प्लेयर्स इंग्लिश लैंग्वेज रिसेप्टिव कौन है, पाकिस्तान का अभी सपोर्ट स्टाफ देख रहा था सारे विलायती लोग बिठाए हुए हैं, है विलायती में भी एक तो अंग्रेज होता है ना, अंग्रेजी थोड़ी समझ आ जाए, मिकी आर्थर तो यार साउथ अफ्रीकन अंग्रेजी समझ आती है आपको, मांगा तो भाई पाकिस्तान ने यार, देखो हर जनरेशन की बात होती है, शायद मेरी जनरेशन और मनोज और धीरज की जनरेशन में थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि भाई मैं जिस जनरेशन का हूं, जो मेरी उम्र है, क्रिकेट जब देखना शुरू किया था, पाकिस्तान हमारे से बहुत आगे था, बहुत भारी था, तो वो हमें तो वो नाम, मतलब अब वाली जनरेशन को ये भी नहीं पता होगा मुदस्सर नजर कौन है, मोहसिन खान कौन है, कासिम उमर का नाम नहीं पता होगा, बाकी तो छोड़ दीजिए, मैं जहीर अब्बास बिनादाद सलीम यूसुफ तो कह ही नहीं रहा, अब वो कहां गए सारे, वही वो कहां है। अब वसीम अकरम को मैं देखता हूं, वो ए स्पोर्ट्स, क्या यार जबरदस्त वैसे वसीम भाई आपका शो है यार, मजा आ जाता है। लेकिन पूछा किसी ने वसीम अकरम को, उन्होंने कहा यार ऐसा है इस उम्र में ना मैं सोशल मीडिया पे गालियां खाने के लिए नहीं पैदा हुआ हूं कि मैं कोच बनके हर रोज खोलूं और सोशल मीडिया पे हर कोई जो है 12 साल का 8 साल का मुझे गालियां देके चले जाए, कहता मैं नहीं, तो आपको इंक्लूसिव करना पड़ेगा ना, राहुल द्रविड़ बने हैं ना यार कोच इंडिया में, आप वसीम अकरम की बात, क्रिकेटर्स की बात बता रहा हूं, जो उस ड्रेसिंग रूम में 15 होते हैं, जो उस बस में 15 जाते हैं, वो अलग दुनिया में होते हैं, जो बाहर होता है ना वो भले बड़े से बड़ा हो, अंदर वाले को लगता है ये कौन होता है मुझे बताने वाला कि यार तेरी ना यहां से बैट नहीं आ रहा, वो कहता तू कौन है भाई, और हम भी कहते हैं अरे फलाने प्लेयर को, अरे आप उनको बता देते कि आपसे वो आप ही ऐसे ठीक कर लो, वो कहते चल भाई सुनता नहीं है, क्यों क्यों, क्योंकि आज जो मशवरा दे रहा है परसों वो भी उसी ड्रेसिंग रूम में था। मैं ये नहीं मानता हूं कि जो खेला हुआ है ना, खेला हुआ जो है क्रिकेट उसको क्रिकेट आती है, ये फैक्ट है, बट हर खेला हुआ जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हाँ चाहते हैं।